हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज मैं आपको क्रोशिए की एक बहुत ही आसान सी डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन जो नीटिंग के बिगनर्स है वो भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी जल्दी बनती है। और ये डिज़ाइन स्पेशली आप किसी मफलर में यूज़ करें या स्टोल में या शॉल में। शॉल या स्टोल अगर बहुत अधिक वेट वाली हो तो उसमें आप कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। ये डिज़ाइन डालकर अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही हल्की बनती है। तो एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट से फंदा बनाते हैं और तीन से मल्टीपल चेन बनाएंगे। आप जितनी भी बड़ी कोई भी प्रोजेक्ट बना रही हो, जैसे कि शॉल या स्टोल, आप जितनी चौड़ी चाहें उतनी लंबी, लेकिन तीन के मल्टीपल में ये चेन लें। जैसे यहाँ पर मैं तीन के मल्टीपल में अभी 12 चेन यहाँ पर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 यानी कि 12 चेन है। उसके अब यहाँ पर एक्स्ट्रा तीन चेन लेंगे, 1 2 और 1 3। ये तीन चेन लेने के बाद इस वाले चेन में, जहाँ पर मेरी 12 चेन कंप्लीट हुई थी, यहाँ पर बिना फंदा लिए ही क्रोशिया डालकर पीछे से फंदा खींचते हैं और इसे गिरा लेते हैं। फिर से तीन चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर काउंट करके 1 2 और 3 वाले चेन में फिर से क्रोशिया डालेंगे और एक फंदा खींच लेते हैं और इस ढंग से इसे गिरा लेंगे। हर बार इसी को रिपीट करते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, तीसरे चेन में उसी ढंग से फंदा को खींचकर इसे गिरा लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, फिर से 1 2 3, यहाँ पर भी लास्ट वाले चेन में इसे गिरा लेते हैं। अब लास्ट में पहले तीन चेन लेंगे और फिर इसे पलटते हैं और इस वाले बॉक्स में जो मिडिल वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक फंदा खींचकर फिर से एक फंदा लेंगे और इसे गिरा लेते हैं। फिर से तीन चेन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसे फंदा लेकर फिर से गिराएंगे। इसी को बार बार रिपीट करते हैं।
एक दो तीन, ये लास्ट में भी ये तीन चेन के, ये मिडिल में से लेंगे, ये सेकेंड रो कंप्लीट है। थर्ड रो के लिए भी उसी ढंग से एक दो और तीन चेन लेंगे, फिर से पलट कर और इस चेन के मिडिल वाले में इसे बांध लेते हैं। बस इसी ढंग से हर रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे तो इस ढंग से आपकी ये डिज़ाइन तैयार होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।